वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 के पहले बजट को पेश कर दिया है। इस बजट के दौरान सभी की नजरें रेलवे को लेकर होने वाली घोषणाओं पर लगी रहीं। हालांकि बजट के दौरान सिर्फ एक बार ही रेलवे शब्द का जिक्र किया गया, लेकिन बजट खत्म होने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने करोड़ों रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज दे दी है। आपको बता दें कि रेल मंत्री ने मिडिल क्लास और कम आय वाले परिवारों को खुशखबरी देते हुए बताया है कि रेलवे अपनी 2500 नॉन एसी कोच बना रहा है और अगले 3 सालों में 10,000 और एक्स्ट्रा नॉन एसी कोच बनाया जाएगा। रेलवे का उद्देश्य ये भी है कि कम आय वाले परिवार और मिडिल क्लास किफायती कीमत पर सुरक्षित यात्रा कर सके। ट्रेनें 1000 किलोमीटर की यात्रा के लिए लगभग 450 रुपए की लागत पर विश्व स्तरीय सुविधाएं दे रही है। मीडिया से बातचीत के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साल 2014 से पहले रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय पर निवेश 35,000 करोड़ रुपए के आसपास हुआ करता था। आज ये 2.62 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। ये रेलवे के लिए रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय है। मैं रेलवे में इस तरह के निवेश के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का बहुत आभारी हूं। अगर हम 2014 से पहले के 60 सालों को देखें तो नई ट्रेनों की घोषणा बिना ये सुनिश्चित किए की जाती थी कि पटरियों में क्षमता भी है या नहीं। बिल्कुल लोक लुभावन उपाय किए गए जिनका रेलवे के बुनियादी ढांचे की स्थिति से कोई संबंध नहीं था। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने ये सुनिश्चित करने पर बड़े पैमाने पर ध्यान केंद्रित किया है कि नींव ठीक से तैयार हो। रेलवे ने पिछले कुछ सालों में वंदे भारत ट्रेनों पर काफी फोकस किया है। एक के बाद एक नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई गई हैं। इसी पर जब रेल मंत्री से सवाल किया गया कि क्या रेलवे का फोकस वंदे भारत और फ्लैगशिप ट्रेनों पर रहेगा और गरीबों के लिए ट्रेनों पर नहीं, तो मंत्री ने जवाब दिया कि दृष्टिकोण तो ये है कि हमारे पास एक बड़ा निम्न आय वर्ग है और हम उस वर्ग को संबोधित कर रहे हैं, और फिर एक आकांक्षी वर्ग है जो आगे आ रहा है, उस आकांक्षी वर्ग को भी संबोधित करने की जरूरत है, इसलिए हम दोनों को संबोधित कर रहे हैं। रेल मंत्री ने आगे कहा, एसी और गैर एसी कोचों का अनुपात आमतौर पर 1/3 या 2/3 रहा है, उस अनुपात को बनाए रखा गया है। गैर एसी यात्रा की मांग अब बढ़ गई है, अधिक से अधिक लोग यात्रा कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोग गैर एसी सेगमेंट के लिए यात्रा सेवाओं की मांग भी कर रहे हैं, इसलिए हमने एक विशेष अभियान चलाया है। हम 2500 गैर एसी कोच बना रहे हैं और आने वाले 3 वर्षों में हम नियमित उत्पादन कार्यक्रम के अलावा 10,000 अतिरिक्त गैर एसी कोच बनाएंगे। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।